आज हम प्राचीन भारतीय शिक्षा की प्रवृत्तियां और उनकी जो शक्तियां हैं उस पर चर्चा करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो हम यह जानने और समझने की कोशिश करें कि हम प्राचीन भारतीय शिक्षा को देखें कहां से। आम तौर पर जो प्रवृत्ति है शिक्षा शास्त्र की, उसमें हम यह देखते हैं कि भारतीय शिक्षा का इतिहास वैदिक कालीन शिक्षा के साथ शुरू होता है। लेकिन थोड़ा पीछे और जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि इतिहास की मुख्य धारा में हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण भी उपलब्ध हैं। लेकिन भारतीय आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने हमें अनुमान लगाने से मना किया। हम अनुमान न लगाएं, इसमें ज़्यादा हमारा विश्वास है, जबकि प्राचीन भारतीय शिक्षा की एक बड़ी शक्ति थी कि अनुमान लगाने की हमें छूट थी। यदि हम अनुमान से हड़प्पा काल की शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर रचते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जहाँ ढकी हुई नालियाँ हैं, पकी हुई ईंटों का प्रयोग है, लोथल और कालीबंगा जैसे शहर हैं जहाँ से व्यापार की सुविधा है, तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बन रहा है, मुख्य मार्ग, मुख्य दरवाजे मुख्य मार्ग की ओर नहीं खुल रहे हैं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, कृषि की व्यवस्था का ज्ञान होता है क्योंकि भंडारगार मिले हैं वहाँ, ऐसे हम यह नहीं कह सकते कि हड़प्पा काल में या हड़प्पा में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। 2500 ईस्वी पूर्व से 2250 तक जिस व्यवस्था का उत्कर्ष काल था, 2250 से 1700 तक हम ये मानते हैं कि वह अपने अवसान काल में थी, तो यह लगभग 800 वर्षों का जो इतिहास है, हम इतिहास की मुख्य धारा में उसे शामिल नहीं करते। मेरा विश्वास है कि हड़प्पा संभवतः देश नहीं पूरी दुनिया का पहला व्यावसायिक शिक्षा का केंद्र था, जहां काम की दुनिया और ज्ञान की दुनिया में फर्क नहीं रखा गया था। हड़प्पा की इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए जब हम 1500 ईस्वी पूर्व पहुँचते हैं, तो वहाँ से ऋग्वेदों का की रचना का काल दिखाई देता है, वैदिक व्यवस्था, फिर उपनिषदों का आना, बौद्ध व्यवस्था और जैन शिक्षा व्यवस्था, दूसरी तरफ दक्षिण भारत में संगम व्यवस्था, ये सभी मिलके वास्तव में प्राचीन भारतीय शिक्षा का स्वरूप बनाते हैं। लेकिन कई बार हम अपने आप को केंद्रित कर देते हैं सिर्फ जो हमारी प्राचीन व्यवस्था है उसमें, बौद्ध और वैदिक शिक्षा तक हम जैन और संगम काल या हड़प्पा काल को शामिल नहीं करते। उपनिषद कालीन जो शिक्षा है, जहाँ से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्ति का पता चलता है या ज्ञान होता है, जो भारतीय शिक्षा की सबसे बड़ी ताकत थी न उस समय बल्कि आज भी यह बड़ी ताकत हमारी हो सकती है, जिसे आधुनिक भारतीय शिक्षा ने एक तरह से दरकिनार कर दिया, वह है संवाद। हमारे लिए संवाद समझ बनाने का माध्यम थी। समझ बनाने के आधार का तात्पर्य है कि मौखिक शिक्षा व्यवस्था थी, या आप और हम सब जानते हैं कि मौखिक शिक्षा व्यवस्था में आमने सामने बैठे हुए गुरु और शिष्य यदि एक संवाद में शामिल हैं, तो वहाँ सिर्फ यह नहीं था कि शिक्षक ही अपने गुरु ही अपने शिष्यों से सवाल पूछते हैं और शिष्यों की यह भूमिका है कि वह गुरु द्वारा पूछे गए सवालों का सिर्फ जवाब दें, बल्कि यह व्यवस्था थी कि शिष्यों के मन में भी यदि किसी तरह की शंका आती है तो उसके समाधान के लिए गुरु के समक्ष उपस्थित हों, या गुरु को ऐसा लगता है कि उनका शिष्य किसी नासमझी का शिकार होता जा रहा है तो वह उसे संवाद के माध्यम से दूर करने की कोशिश करे। ऐसा ही एक उदाहरण उपनिषदों में उद्यालक और श्वेत केतु का मिलता है। दोनों पिता पुत्र भी हैं और गुरु शिष्य भी हैं। उद्यालक के पुत्र श्वेत केतु किसी अन्य गुरु के आश्रम से पढ़ लिख कर जब वापस आते हैं तो उन्हें लगता है कि अब तो दुनिया भर का ज्ञान उनके पास है, उनसे अधिक ज्ञानी कोई दूसरा है ही नहीं। गुरु इस बात को ताड़ते हैं। उद्यालक को लगता है कि शिष्य के आगे बढ़ने में उसकी यह समझ बल्कि यह नासमझी रोड़े का काम करेगी। फिर वह उनके साथ उस तरह का संवाद स्थापित करते हैं जिसमें, यह कहानी लंबी है लेकिन जो अंतिम बात है, जहां वो कहते हैं कि पानी में नमक मिला दो और शिष्य को कहते हैं कि उसे लेकर आओ। जब श्वेत केतु उस ग्लास को लेकर आते हैं जिसमें पानी और नमक है, तो वो कहते हैं कि इसमें से नमक अलग करो। श्वेत केतु कहते हैं कि इसमें से अब नमक कैसे अलग होगा, वह तो पानी में घुल गया। गुरु कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि तुम्हें तत्व की जो सत्य है उसकी पहचान हो गई। तो करके सीखने की संवाद और संवाद के द्वारा करके सीखने की जो कला थी हमारी शिक्षा व्यवस्था में, वह बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आज का आलम यह है कि जब हम उस संवाद से मुक्त हो गए, एक तरह से हमें लगा कि हमें सिर्फ बच्चों को पढ़ा देना है, विशेष करके प्रारंभिक शिक्षा में जिसमें हम सब काम करते हैं,
जिसमें आप सब काम करते हैं और जिसके लिए आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उसमें यह एक खतरा बराबर बना रहता है। एक तरफ हम कहते हैं कि बच्चों को सवाल पूछने दो, और दूसरी तरफ जब बच्चे इस तरह के सवाल पूछने लगते हैं जिसका जवाब देने में हमें परेशानी होती है, तब फिर समस्या उत्पन्न होती है। बच्चे किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि उनके पास सवालों की एक बड़ी दुनिया है जिसमें वो रहते हैं। अपने आसपास ऐसी चीज़ें हैं जो वो पहली बार देखते हैं, उनके बारे में उनके मन में जिज्ञासाएँ उत्पन्न होती हैं, और उन्हें वो चाहते हैं कि उसको उसका शमन करें, उनके बारे में जानें। लेकिन हमारी जो पूरी व्यवस्था है वो ऐसी है कि हमें लगता है कि हम एक अंतिम स्रोत हैं, हम ही सिर्फ पढ़ा सकते हैं। हम ये नहीं जानते कि बच्चे भी कुछ ज्ञान, कुछ अनुभव, कोई भाषा लेकर हमारे पास आते हैं। तो वह संवाद जो हमारी शक्ति रही है प्राचीन भारतीय शिक्षा की, उसे हमने अपने इस समय विशेष में एक तरह से गंवा दिया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा संवाद बच्चों के साथ पुनः कायम हो, या हम संवाद उनके साथ स्थापित करना चाहें, तो इसके लिए एक छूट तो हम सबको देनी पड़ेगी कि हम बच्चों को सवाल पूछने की छूट दें और उन्हें ऐसे वातावरण में रखें जहां वो सवाल पूछ सकें। अब सवाल पूछना और अपनी नासमझी को समझ में बदलना संवाद के द्वारा किस तरह से संभव है, इस पर हम दो चार बिंदु रखना चाहेंगे। हमें अपने मन से यह बात निकालनी होगी कि हम ही बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, हम ही बच्चों को सिखाने वाले हैं। इसके स्थान पर हमें यह सोचना होगा कि हम पढ़ाने वाले और सिखाने वाले तो शायद नहीं हैं, लेकिन हम एक माहौल जिसमें बच्चे सीख सकें उसे बनाने वाले ज़रूर हैं। ऐसे माहौल का निर्माण कैसे होगा? आप गुरुकुल के दिनों को याद करिए कि किस तरह से एक गुरु अपने आश्रम में सीखने का माहौल बनाते होंगे। हम बार बार कहते हैं कि बच्चों को अपने परिवेश से जुड़ा होना चाहिए। परिवेश से जुड़े होने का क्या मतलब है? किसी पेड़ से जाकर लिपट जाना, या घर से स्कूल आते हुए सिर्फ पेड़ों की गिनती कर लेना? वास्तविकता यह नहीं है। परिवेश से जुड़ने का अर्थ यह है कि एक बच्चा अपने परिवेश से जो कुछ सीखता है, और एक बच्चा अपने परिवेश से जिस तरह के सवाल बुनता है, उनमें रहते हुए वह किस तरह से शिक्षित किया जा सकता, इसका प्रयास किया जाना चाहिए। हम लोग आमतौर पर कह देते हैं कि अरे पुराने समय में तो लोग भिक्षाटन करके, भीख मांग के गुरुकुल आश्रम चलते थे। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इन भिक्षाटन के पीछे का उद्देश्य क्या था। भिक्षाटन यूं ही नहीं कराता था गुरु, बल्कि इसके दो बड़े महत्वपूर्ण पक्ष थे और वो शिक्षा ही पक्ष हैं। पहला पक्ष तो यह है कि एक बच्चा जो अपने घर से दूर आकर गुरु के आश्रम में रह रहा है, वह उस समाज से न कटे जिस समाज के साथ उसे कल से फिर रहना है। जब वह भिक्षाटन के लिए आसपास के की बस्तियों में जाते होंगे, यह अनुमान लगाया जा सकता है, तो वह पशुओं से तो मांगते नहीं होंगे, कुछ मांगते होंगे उन किसानों से या वहाँ रहने वाले लोगों से, एक बातचीत उनके साथ होती होगी। जाते हुए वो जानते होंगे कि किस मौसम में क्या हो रहा है, अलग अलग प्रवृत्ति के लोगों से उनकी भेंट होती होगी। वे ये समझ पाते होंगे कि समाज में सभी एक जैसे होते नहीं, अलग अलग प्रवृत्ति के लोग पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से इस तरह का सीखना भी उनका इस भिक्षाटन के माध्यम से हो रहा था। दूसरी बड़ी बात ये थी कि आप ये नहीं कह सकते कि शिक्षा बराबर से ही राजाश्रय व्यवस्था रही है भारत में। यह एक समाज आश्रित व्यवस्था थी, और जो बच्चा भिक्षाटन के लिए समाज में, या जो अंतेवासी समाज में जाता था, समाज ये समझता था कि यह हमारे लिए अध्ययन अध्यापन में लगा हुआ है, इसलिए इसकी सुरक्षा करना, इसके जीवन यापन की जिम्मेवारी लेना यह हमारा काम है। यानी समाज यह तय करता था, यह मानता था कि जो लोग किसी आश्रम में रहकर अंतेवासी की तरह शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें जीवित रहने का पूरा हक है, क्योंकि वो उनके लिए काम कर रहे हैं। आज के संदर्भ में भी हम देखते हैं कि यह जिम्मेवारी आज भी है, समाज आज इसको स्वीकार करता है। आज भी हम यह देखते हैं कि देश के कई राज्यों में जो विद्यालय आज कार्यरत हैं, उनकी स्थापना उस समाज ने की जिसे अपनी परिभाषा के अंतर्गत हम लोग निरक्षर समाज कह सकते हैं। उसमें से किसी ने अपनी जमीन दी, किसी ने खर बाँस या जो कुछ भी वहाँ उपलब्ध था उसे दिया, और नहीं देने की स्थिति में थे उन्होंने कम से कम श्रमदान किया स्कूल को खड़ा करने में। स्कूल बनाए क्यों गए, विद्यालय बनाए क्यों गए, और उस सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति करने में हमारी जो अपनी परंपराएं हैं, जो हमारी अपनी रिवायतें हैं, वो कितनी मददगार हैं।
वास्तव में आज इसका आकलन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक तरफ कह रहे हैं कि बच्चों को सवाल पूछने दो, बच्चों को ऐसा बनाओ जो वो सवाल पूछे, और हमारी शिक्षा व्यवस्था कहती है कि अपनी नासमझियों को व्यक्त मत करो। नासमझियों को व्यक्त न करने का मतलब क्या है? हम पढ़े लिखे लोग जब सामने वाला कोई बात कहता है और हमारी समझ में नहीं आती है तो हम मुस्कुराते हैं और इस बात का भान कराते हैं कि हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। उस समय हमारी सलज आँखें साफ साफ कहती हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में यह जो बनावटीपन है अपनी नासमझियों को छुपा ले जाने का, वास्तव में भारतीय शिक्षा की यह परंपरा नहीं रही है। यह आधुनिक भारतीय शिक्षा की देन है कि हम यदि एक बार पढ़ने लिखने का ठप्पा लगवा लिए तो यह मान लिए कि हम में किसी भी तरह की कोई नासमझी नहीं है। और जिस दिन से हम अपनी नासमझियों का रेखांकन बंद कर देते हैं, उसे समझ में बदलने की प्रक्रिया बंद कर देते हैं, ठीक उसी दिन से हमारे सीखने का के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये रास्ते खुले रहें, सीखने का रास्ता खुला रहे, हम अपनी नासमझियों को समझ में बदलते रहें या बदलने के लिए तत्पर रहें, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी नासमझियों को रेखांकित करना सीखें और अपने छात्रों में भी, अपने शिक्षार्थियों में भी यह शक्ति दें ताकि वह अपनी सभी लोक लाज का त्याग कर बड़े आराम से अपनी नासमझियों को हमारे सामने रख सके। मुझे लगता है कि यदि हमने नासमझियों को समझ में बदलने की प्रवृत्ति की शुरुआत कर ली तो एक बड़ी चुनौती जो हमारे सामने है, बच्चे सीखते नहीं हैं, उसे संभालने में या उसे सीखने का माहौल बनाने में, तब्दील करने में या बदलने में हमें सुविधा होगी। प्राचीन भारतीय शिक्षा की एक दो और प्रवृत्तियों की ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है जो आज की शिक्षा व्यवस्था में भी अनिवार्य तत्व हो सकता है, और वह है एकाग्रता। एकाग्रता हमारी थाती है। प्राचीन भारतीय शिक्षा से यदि हम कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं तो उसमें एकाग्रता एक अनिवार्य तत्व है। एकाग्र होना, आप याद करिए कि जब आप स्वयं छात्र थे तब आप कब कब एकाग्र हुए, कब कब ऐसा अवसर आपकी कक्षा में, आपके वर्ग कक्ष में आया जहां आपको एकाग्र होने की आवश्यकता पड़ी। मेरा अपना अनुभव यह है कि हम लोग सर्वाधिक एकाग्र किसी भी परीक्षा के पहले आधे घंटे में रहते हैं, उतनी कमाल की एकाग्रता फिर हमारे पास शायद कभी नहीं आती। शिक्षा में इस तरह का ताना बाना भी हमने नहीं बुना जहाँ एकाग्र होना अनिवार्य हो, तल्लीन होना अनिवार्य हो। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा को समझे बिना हमने कहा कि वह असफल हो गई। गांधी तकली या चरखा इसलिए नहीं कटवा रहे थे कि आप सूत बनाकर देश की समस्या का समाधान कर दीजिएगा, यह एक सपना तो उनका था ही कि हर गाँव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो। साथ ही साथ उन्होंने संभवतः भारतीय शिक्षा की उस विरासत को भी पकड़ा था जिसमें एकाग्र होना अनिवार्य है। दुनिया के सबसे मजबूत आदमी को आप तकली काटने के लिए बैठा दीजिए और इस किसी भी इलाके के सबसे कमज़ोर आदमी को, आप देखेंगे कि जिसका ध्यान भंग हुआ, यदि दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति, सबसे पहलवान आदमी, सबसे शक्तिशाली आदमी, यदि उसका ध्यान भंग हो जाता है तो उसका धागा टूट जाएगा, यानी वह जो काम कर रहा है वह नहीं कर पाएगा। जो बहुत कमज़ोर व्यक्ति भी यही काम कर रहा है और एकाग्र है, वह धागा बना पाएगा। तो एकाग्रता की जो शक्ति थी वह हमारी शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं छूट गई। तो एकाग्रता वह तत्व है जिसे हम अपनी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था से ले सकते हैं। लयात्मकता एक और ज़रूरी बात है। लय का करीब होना, बच्चे के लय का उसके आसपास होने, या शिक्षा की ऐसी व्यवस्था जिसमें बच्चे के भीतर का जो प्राकृतिक लय है वह सुरक्षित रखा जा सके, इसका एक छोटा उदाहरण मैं केवल आपको देता हूँ। हम सब ने उस तरह से पढ़ाई की है जिसमें हमें पहाड़े, टेबल्स जिन्हें कहते हैं आज, वो रटना होता था या याद करना होता था। आप सब इस कवायद को कर सकते हैं अपने तरह से भी, कि मुझे जहाँ तक लगता है हम सबको 15 का पहाड़ा याद है, 17 और 19 का नहीं याद है। 17 और 19 का क्यों याद नहीं है? 15 का पहाड़ा हमें क्यों याद है? क्योंकि 15 का पहाड़ा हमारे लय के सबसे करीब था। 15 का 15 दुन्ना 30, 45, 64। 17 का पहाड़ा पढ़ना हो तो यह लयात्मकता आ ही नहीं सकती, इसलिए 17 का पहाड़ा वास्तव में हमने रटा था, 15 का पहाड़ा तो हमारी स्मृति का हिस्सा बन गया था। इसलिए शिक्षा वैसी चीज़ों पर बल दे और ध्यान दे कि हम सीखी गई चीज़ों को अपनी स्मृति का हिस्सा बना सकें। अभ्यास से रोकना नहीं है,
जैसे ही हम रटना और अभ्यास की बात करते हैं, लोग कहते हैं भारत में तो जो शिक्षा व्यवस्था थी वो रटने की शिक्षा व्यवस्था थी, टर टर मेढक की तरह हम रटते थे। भाई ऐसा कह के आप उस पूरी व्यवस्था पर एक ऐसा सवाल खड़ा करते हैं जो उस व्यवस्था में थी नहीं। रटना जैसा शब्द तो है ही नहीं कहीं, बल्कि अभ्यास करना आवश्यक है। आप किसी चीज़ की बार बार आवृत्ति या पुनरावृत्ति करते हैं और आपकी समझ उसमें शामिल नहीं है, तब वह रटना है। जैसे ही आपकी समझ उसमें शामिल होती है, वह बात आपकी स्मृति का हिस्सा हो जाती है, आप नहीं कह सकते कि इस चीज़ को हमने रटा है। इसलिए एक वेद से चार वेद तक पहुँचना, 108 उपनिषदों तक जाना, इतनी बड़ी यात्रा नहीं तय की जाती जा सकती थी यदि चीज़ों को यथावत जैसा दिया गया, जग ने जैसा दिया, मग ने वैसा धारण कर लिया। यदि यह होता तो तीसरा बड़ा बाल्टी तैयार नहीं हो सकता था। इसलिए जो ये तीन प्रवृत्तियां हैं मेरे अनुसार भारतीय शिक्षा की, उसे अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। संवाद को एक बार फिर से हम याद करें। यह संवाद नचिकेता, उसके पिता और यमराज के बीच का संवाद है। कैसी शिक्षा व्यवस्था जिसने नचिकेता जैसे पात्र को गढ़ा, नचिकेता जो अपने पिता पर सवाल खड़ा करता है। ऐसा समाज जहाँ पिता की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है, वहाँ नचिकेता देख रहा है कि पिता ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जिसमें उन्हें अपनी प्रिय वस्तु दान में देनी है। प्रिय तो नचिकेता भी है, नचिकेता सोच रहा है कि उसे उसके पिता किसे दान में देंगे। दूसरी तरफ वह देखता है कि उसके पिता ये इन बूढ़ी गायों को दान में दे रहे हैं, इन गायों को देने का क्या फ़ायदा। हम अब विचार करें कि किस तरह की शिक्षा व्यवस्था रही होगी जिसने नचिकेता जैसे पात्र को गढ़ा होगा। वह समाज जहाँ पिता की आज्ञा मानना अनिवार्य। अब आगे यह कथा कहती है कि नचिकेता अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है, पिता नाराज होते हैं और नचिकेता को कहते हैं कि जा तुझे यमराज को दान में दिया। उनकी आज्ञा का पालन करता है नचिकेता, यमराज के पास जाता है। कहानी का स्मरण करें आप, नचिकेता 3 दिन तक यमराज की प्रतीक्षा करता है क्योंकि वो कहीं बाहर गए होते हैं। लौट कर आने के बाद यमराज नचिकेता को 3 वर मांगने को कहते हैं कि मैंने तुम्हें 3 वरदान दिया। नचिकेता ऐसे ऐसे वरदान मांगता है, वह जीवन के बाद की स्थिति क्या होगी यहाँ तक पहुँच जाता है। यमराज बार बार उसे टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह दृढ़ बालक अपने सवाल का जवाब जानने के लिए बार बार नचिकेता पर, यमराज पर दबाव बनाता है और अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है। संवाद की यह शक्ति है और हमारी परंपरा की यह शक्ति है कि वह यमराज के सामने भी नचिकेता जैसे एक बच्चे को निरुत्तर नहीं करती, बल्कि उसकी जिज्ञासा के शमन करने पर यमराज को मजबूर करती है। तो यह जो बातचीत या संवाद की जो हमारी परंपरा रही है, या वह शिक्षा व्यवस्था जो नचिकेता जैसे पात्रों को गढ़ सकती है, भारत वास्तव में आज भी वैसी ही शिक्षा की जरूरत में है जहाँ नचिकेता जैसे पात्र गढ़े जा सकें, जहाँ संवाद की शक्ति, एकाग्रता और तल्लीनता के साथ हम एक ऐसी शिक्षा ही रचना कर सकें जिसकी पूरी जिम्मेवारी अब आप सब शिक्षकों को पर है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा का सारा दारोमदार आपके हाथों में है। नया भारत 21वीं सदी का भारत और उसके बच्चे, इस के साथ अब आगे नहीं बढ़ सकते कि बच्चे इस देश के भविष्य हैं। मुझे लगता है कि अब अपने इस समझ में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बच्चे इस देश के भविष्य नहीं हैं, भविष्य तो हम बड़ों का भी है, बूढ़े बुजुर्गों का भी है, और सबका भविष्य इस देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। वास्तव में बच्चे इस देश के वर्तमान हैं। जैसे ही हम ये बात कहेंगे कि बच्चे इस देश के वर्तमान हैं, वैसे ही हम बड़े उनके लिए आधी सवारी को सीट नहीं मिलेगी जैसा वाक्य लिखने से बचेंगे। जैसे ही हम इस तरह का वाक्य लिखते हैं, हम अपनी परंपरा में उस हड़प्पा का भी अपमान करते हैं जहाँ की खुदाई में सर्वाधिक बच्चों के खिलौने मिले हैं। जो समाज अपने बच्चों के प्रति इतना संवेदनशील रहा होगा कि उसने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ही, यह मेरा अनुमान है, कि अपने घरों के मुख्य दरवाजों को मुख्य मार्ग की ओर नहीं खोला था। चंडीगढ़ ने तो बहुत बाद में उसकी नकल की है। इसलिए बच्चों के प्रति संवेदनशील समाज का निर्माण हो, हम बच्चे और बचपन के प्रति संवेदनशील हों, यह हम शिक्षकों की जिम्मेवारी भी है, हमारे समय की ज़रूरत भी है। सिर्फ यह कह के अब हम उनकी अनदेखी नहीं कर सकते कि बच्चे तो इस देश के भविष्य हैं। हाँ, ऐसा जरूर कहें कि इस देश का भविष्य बच्चों के हाथों में सुरक्षित है, इसलिए उनका वर्तमान जितना बेहतर होगा, यह इस देश का भविष्य उतना ही अच्छा होगा। मुझे लगता है कि हमें अब
अपने बच्चों के वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए, अपने बच्चों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उनकी दुनिया में जाके उनकी शिक्षाई व्यवस्था की रचना की जानी चाहिए। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।